को समर्पित होने जा रहा है और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। ships planned by honorable prime minister in the presence of honorable raksha mantri shri rajnath singh salute to the flag the naval band playing the national anthem in some time during the hosting of the tricolor and the ensign please rise for the national anthem हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो पूरे सम्मान का ध्वज है वो लहराता नजर आ रहा है इस वक्त आईएनएस विक्रांत पर, ये नया ध्वज है डिस्प्लेइंग नेवल्स एयर प्रोविस सीकिंग इनके ठीक पीछे है 42B प्रतिरोधी और सीकिंग 42 ब्रावो कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा की अगुवाई में सीकिंग 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा के नेतृत्व में ये तमाम फ्लाई पास्ट नजर आ रहा है और हमने देखा किस प्रकार से तीन चेतक इसके अलावा तीन एडवांस हाई हेलीकॉप्टर साथ ही साथ सी किंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा।